और दारिद्र्य हारिणी कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अजाय एकादशी की हम महिमा बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम सतयुग के हरिश्चंद्र का सत्य बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम कष्ट और दारिद्र्य हारिणी कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, सब सुनो लगा के ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। सतयुग की मैं कथा सुनाऊं, सुनो लगा के ध्यान। अवधपुरी के महाराजा थे हरिश्चंद्र गुणवान, उत्तम ज्ञानी और महादानी, प्रजा के हितकारी। हरिश्चंद्र के राज्य में थी खुशहाल अवध सारी। रघुकुल रीति सदा चली आई, वचन कभी ना जाए, वचन से अपने कभी न डिगते, प्राण भले चले जा। रोहित पुत्र है पत्नी तारा, छोटा सा परिवार, इन तीनों से सुशोभित सारा अवध राज दरबार। नगर निवासी राजा की जयकार लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम सतयुग के हरिश्चंद्र का सत्य बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, सब सुनो लगा के ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। तो ये पावन कथा सतयुग काल की है, जब अयोध्या में राजा हरिश्चंद्र महाराज राज करते थे। हरिश्चंद्र के जैसा महादानी ना तो पहले था और ना ही आने वाले कालों में होगा। एक रात्रि हरिश्चंद्र जी स्वप्न देखते हैं कि मैंने अपना समस्त राजपाट, धन वैभव सब कुछ महर्षि विश्वामित्र को दान में दे दिया है। अगले दिन विश्वामित्र जी उनके दरबार में आकर हरिश्चंद्र जी से उनका सारा राजपाट, धन वैभव मांगने लगते हैं। देवरी चढ़ाए भृकुटी ताने, विश्वामित्र ऋषिराज आए जब दरबार में, उनके बदले थे अंदाज। गरज के बोले भरी सभा में, वो मूरख नादान, बैठा है तू क्यों सिंहासन, दिया मुझे जब दान। राजपाट धन माल खजाना, दान में दे डाला, फिर भी बैठा है सिंहासन मुंह करके काला। करके संकल्प सब कुछ मुझको, राज चलाता है, हमसे क्यों ना मिथ्या भाषी आँख मिलाता है। इतना सुन के हरिश्चंद्र झट से उठ जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम सतयुग के हरिश्चंद्र का सत्य बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, सब सुनो लगा के ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। हरिश्चंद्र जी बड़ी विनम्रता से उनको प्रणाम करते हैं और योग्य विद्वान पंडित को बुलवाकर
अपना समस्त राज्य धन माल खजाना विश्वामित्र जी को दान देकर संकल्प लेते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं, ये तो तूने दान दिया है हरिश्चंद्र, अब दक्षिणा में हमको 500 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, वो कब देगा? हरिश्चंद्र ने कहा, ऋषिराज यथा शीघ्र ही वो भी आपको दे दूंगा, आप निश्चिंत रहें। हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को दे दिया सब कुछ दान, मंत्री संत्री अवध की प्रजा हर कोई था हैरान। जान से प्यारी अवधपुरी की त्याग दी राजधानी, नंगे पांव चले हैं घर से वो तीनों प्राणी। पत्नी पुत्र के संग स्वयं वो बिकने जाते हैं, राजा से बन गए सेवक सब भाव लगाते हैं। पत्नी पुत्र का दाम चुका ब्राह्मण ले जाता है, हरिश्चंद्र का दाम लगा के डोम ले जाता है। वचन न टूटे इसीलिए तीनों बिक जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हम सतयुग के हरिश्चंद्र का सत्य बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, सब सुनो लगा के ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। पुत्र रोहतास और पत्नी तारामती को एक ब्राह्मण खरीद लेता है और अवध नरेश राजा हरिश्चंद्र को एक डोम खरीद ले जाता है। तीनों प्राणी मात्र 500 स्वर्ण मुद्राओं में बिक जाते हैं। विश्वामित्र को दक्षिणा स्वरूप 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर हरिश्चंद्र अपने मालिक डोम के साथ चले जाते हैं। चाकरी ब्राह्मण के घर पुत्र और माता, बात बात पर उनका मालिक उन पर गुर्राता। भोजन पानी एक समय ही उनको देता था और काम बैलों के बराबर उनसे लेता था। उधर डोम राजा को लेकर जा पहुंचा शमशान, एक राजा की किस्मत कैसी लिख डाली भगवान। डोम बोला सख्त भाव से, सुन ले मेरी बात, बिना कर लिए किसी भी शव को नहीं लगाना हाथ। हरिश्चंद्र बस हाँ जी करते जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, हम सतयुग के हरिश्चंद्र का सत्य बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, सब सुनो लगा के ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। पत्नी तारामती और पुत्र रोहतास ब्राह्मण के यहाँ हाड़ तोड़ मेहनत कर रहे हैं और हरिश्चंद्र जी शमशान में दिन रात दाह संस्कार कर रहे हैं। इसी तरह से कई वर्ष बीत जाते हैं। एक दिवस हरिश्चंद्र जी की भेंट महर्षि गौतम जी से हो जाती है। वे उनको दंडवत प्रणाम करने के बाद हरिश्चंद्र जी गौतम ऋषि से अपनी आप बीती सुनाते हैं तो गौतम ऋषि जी उनको अजा एकादशी का व्रत करने के लिए कहते हैं। हरिश्चंद्र जी अजा एकादशी का व्रत पूरे नियम और विधि विधान से करने लगते हैं। अजा एकादशी व्रत का राजन पालन करते हैं,
व्रत की विधि नियम का वो अनुपालन करते हैं। अब आगे किस्मत उनकी क्या रंग दिखाती है, इससे आगे कथा वो हमसे लिखी न जाती है। सर्पुन डस लिया पुत्र को उनके हो गया वो निस्तार, ना जाने किस कारण उनसे रूठ गए भगवान। छाती पीटे आंसू बहाए पुत्र की महतारी, मरे लाल को लिए फिर रही वो मारी मारी। सत्य पे चलने वाले कैसे कष्ट उठाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, हम सतयुग के हरिश्चंद्र का सत्य बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, सब सुनो लगा के ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। तारामती अपने पुत्र का शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए उसी शमशान में पहुंचती है जिस शमशान में तारामती के पति की पहरेदारी थी। तारामती पुत्र का अंतिम संस्कार करना चाहती है, परंतु हरिश्चंद्र कर लिए बिना संस्कार करने से रोक देते हैं। जब पहचान जाते हैं कि ये तो मेरा ही पुत्र रोहतास है और ये मेरी पत्नी तारा है, फिर भी कर लिए बिना संस्कार करने से रोक देते हैं। तारामती के पास कर चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने अपनी पहनी हुई आधी धोती फाड़ के कर के रूप में अपने पति को दे दिया, तभी चमत्कार सा होता है। बड़े जोर से बिजली चमकी, प्रकट हुए भगवान, चेहरे पे उनके खेल रही थी मधुर मधुर मुस्कान। हरिश्चंद्र से भगवान बोले, धन्य धन्य है आप, अपने सत्य से डिगे नहीं हो, झेले हर संताप। युगों युगों तक नाम तुम्हारा दुनिया करेगी याद, राह अयोध्या देख रही है, जाके करो अब राज। उठ कर के तब खड़ा हो गया उनका राजकुमार, सारे मिलके श्री हरि की करते हैं जयकार। कथा लिखी सुखदेव सत्येंद्र गा के सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, हम सतयुग के हरिश्चंद्र को शीश नवाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, सब सुनो लगा के ध्यान, ये कथा है बड़ी महान, ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, सब सुनो लगा के ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, बिन और न दूजा
आस करो किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण पति, किस विधि मिलो दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, करुणा हस्त उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, प्री विष्णु जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे।